इस समय पर इन खिलाड़ियों को मौका दे रहे हो, नए नए चेहरों को वहाँ पे टीम में ला रहे हो, सारे अच्छे मतलब अच्छे प्लेयर्स, ऐसा नहीं है कि इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया है, ऐसे ही आ गए टीम में, लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया तब जाकर इन्हें टीम इंडिया में जगह मिली। अब बात मेरी वो है, अगर आपकी ये टीम परफॉर्म करेगी, सपोज वेस्ट इंडीज में इस टीम ने सीरीज जीत ली, सपोज इसके बाद आयरलैंड भी, इन्होंने तो ये सीरीज पीछे भी जीत जीती हुई है टीम, तो ये टीम लगातार आपके लिए जीत रही है, श्रीलंका जीता है, न्यूजीलैंड से जीते, अगर वेस्ट इंडीज भी आप जीत जाते हो फिर आयरलैंड, क्योंकि यंग साइड है, आपने कहा यंग साइड है, अगर यंगस्टर और वेस्ट इंडीज की बाय द वे साइड बड़ी अच्छी है टी ट्वेंटी, आप वेस्ट इंडीज को टी ट्वेंटी में हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, बेशक उन्होंने पिछले साल हल्के में तो बेशक उन्होंने पिछले साल क्वालिफाई नहीं। जी दोस्तों, इस टाइम इंडियन मीडिया रोता नजर आ रहा है, जैसे आपने सारी वेस्ट इंडीज सीरीज देखी, खास परफॉर्मेंस नहीं रही टीम इंडिया की, और जब टी ट्वेंटी स्टार्ट हुआ तो पहले ही दो टी ट्वेंटी मैचेस इंडिया हार गया और वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीम से हार गया, उसके बाद तीसरा टी ट्वेंटी इंडिया जीत तो गया, लेकिन अब इंडियन मीडिया में ये बहस चल रही है कि क्या टीम इंडिया ये सीरीज जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, और अगर ये सीरीज जीत भी जाता है उसके बाद बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है जिसमें एशिया कप है, जिसमें वर्ल्ड कप है, क्या वहाँ भारतीय टीम परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस पे इंडियन मीडिया काफ़ी चर्चा कर रहा है। और इसके अलावा हाल ही में काफ़ी डिबेट हो रही है कि इंडियन कैप्टन को चेंज होना चाहिए या नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ तक रोहित शर्मा की बात की जाए, लास्ट ईयर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी और वो इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ना पहुँचा सके, एशिया कप और वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे, तो क्या रोहित शर्मा अपनी टीम को फाइनल जितवा सकेंगे, क्या एशिया कप और वर्ल्ड कप जितवा सकेंगे, इस बात पे काफ़ी बहस जारी है। इंडियन मीडिया काफ़ी परेशान है, इंडियन फैंस काफ़ी परेशान हैं, कप्तानी में बदलाव की बातें हो रही हैं, चलिए आगे देखते हैं और इंडियन मीडिया का क्या कहना है। शर्मा की भी ना कैप्टेंसी उनकी अच्छी दिखाई दी, तो जब नतीजा निकल करके सामने नहीं आ रहा, सारी अगर आप मैं वापस भी लाते आप ओडिया वर्ल्ड कप में अच्छा, अरे भैया आप बात ही नहीं समझ रहे हो, आप बात ही नहीं समझ रहे हो, रोहित शर्मा विराट कोहली से बड़ा टी ट्वेंटी बैटर है इंडिया में यार, नहीं है अब मैं एक सेकंड एक बात एक बात एक बात यार, आप आईपीएल भी खेला ना यार, आप माजी में लेकर आप बोलोगे कि वो प्लेयर